सुबह उठना तो है लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। और ये दिक्कत हम सभी स्टूडेंट्स की होती है ज़्यादातर, कि हम लोग रात को अलार्म तो लगा के सोते हैं लेकिन सुबह कब अलार्म बजता है, कब हम उसको ठप कर ऑफ कर देते हैं, और फिर जब उठते हैं तो तब पता लगता है ओ शेट यार आज फिर सुबह नहीं उठ पाए। तो इस दिक्कत को आज हम खत्म करेंगे। जितनी भी दिक्कतें जो तुम्हें आके आज रोक रही है ना सुबह उठने के, उनको हम सबको खत्म करेंगे। कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उठ तो जाते हो वापस नींद आ जाती है, या फिर उठ के हो पढ़ने भी बैठ जाते हो लेकिन तुम्हारे जो अपने माइंड में अपने ही विचार आने लग पड़ते हैं, अपनी ही बातें शुरू कर देते हो, यार ये कैसे होगा, यार वो कैसे होगा, आज क्लास लगेगी ये नहीं लगेगी। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आज। तो पहली बात तो सुबह उठने पर ना एक अलग ही फीलिंग आती है। अगर आपने कभी सुबह उठ के पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है, क्योंकि अभी सारी दुनिया सो रही होती है जब आप उठते हो। जब आप 4 बजे जब 3:30 उठते हो तो सारी दुनिया भी सो रही है, आपके घर के लोग सारे सो रहे हैं, और उनके उठने तक आप 4-5 घंटों की एक सीटिंग लगा चुके होते हो। मतलब अभी दुनिया शुरू भी नहीं हुई और आपने अपने 5 घंटे पढ़ भी लिया, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि वाओ वी डिड इट। तो ऐसा है जब भी आप सुबह जल्दी उठते हो ना, तो आपको जो पढ़ने का कंसंट्रेशन लेवल है ना, जो पढ़ते हो चीज़ें, जो आपके पढ़ने की कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल डे। जितने भी आपके 24 घंटे हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ये आपका जो सुबह का टाइम 4 बजे का, क्योंकि नॉर्मल डे में आप डिस्ट्रैक्ट रहते हो, आपके आसपास कितनी डिस्टर्बेंस चल रही होती है, फैमिली में कुछ चल रहा होता है, आपके भाई बहन बोलते जाते हैं, लेकिन जो सुबह का टाइम है एकदम आपका टाइम है, एकदम आपका, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस समय जो आप जो भी पढ़ते हो वो सबसे अच्छी तरह से आपको याद रहता है। तो अब बात करते हैं कि सुबह उठा कैसे जाए। तो पहली बात तो अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रात को 11 बजे सो रहे हो और आप सुबह जल्दी 4 बजे उठ पाओ। और साथ में ही जब भी आप रात को सोते हो आपको एक पूरा पानी का गिलास पीकर सोना है, क्योंकि जब भी आप पानी का गिलास पीकर सोओगे ना, आपको अपने प्रेशर बनेगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो अपने आप आपकी जो नींद खुल जाएगी। फिर आता है कि हम अलार्म तो लगाते हैं लेकिन अलार्म बंद कर देते हैं और पता ही नहीं लगता। तो देखो पहली बात तो स्नूज वाला आपको अलार्म नहीं लगाना। तो जो हमारे नॉर्मल मोबाइल में अलार्म होते हैं वो हम स्नूज कर देते हैं, लेकिन आपको प्ले स्टोर में एक अलार्म एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका नाम है अलार्मी। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते हैं, आपको प्लस माइनस सॉल्व करना होता है, डिवाइड सॉल्व करना होता है, और जब आप उसको सही तरीके से सॉल्व करोगे ना तभी आपका अलार्म ऑफ होगा, नहीं तो उसकी आवाज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को एक ऐप लगा। तो मतलब कि आपको स्नूज नहीं करना, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो अपने आप आपकी जो नींद खुल जाएगी, क्योंकि नहीं तो ऐसे गलत मलत सॉल्व करोगे तो वो नहीं बंद होगा, जब सही जवाब दोगे वो तभी बंद होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि हम कैसे बेड से बाहर निकले, क्योंकि हम अपने बेड से बाहर नहीं निकलते। हमारा अलार्म क्या होता है, हमारे पास पड़ा होता है हमारा फोन, तो हम ऐसे हाथ मारते हैं या ऐसे करके सम भी सॉल्व कर लेंगे तो फिर भी हम बेड से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो अपना फोन है ना, आपको अपने बेड के आसपास रखकर नहीं सोना, मतलब कि आपका जो फोन है आपसे दूर होना चाहिए, सो डैट जब भी आपको अपना अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़े आपको अपने बेड से बाहर निकलना पड़े, आपको अपने कमरे की लाइट ऑन करनी पड़े। अगर लाइट नहीं ऑन करोगे नहीं तो फिर टक्कर खाओगे, और जैसे आपकी लाइट ऑन होगी तो फिर तो वैसे ही कमरे में लाइट ही लाइट होगी, और जैसे आपको एक बार लाइट आ जाती है ना कमरे में तो आपको पता लग जाता है कि हाँ मैंने कुछ प्लानिंग करी है, मुझे सुबह उठ के कुछ पढ़ना है। हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपको हमेशा कुछ प्लानिंग कर कर सोना है, ऐसे नहीं सो जाना कि यार सुबह उठ के पढ़ेंगे, नहीं, आपको रात को सोने से पहले प्लान करके सोना है कि मुझे सुबह उठ के मैथ्स पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने सुबह उठ के पढ़ना है। क्योंकि जब आप प्लानिंग नहीं करके सोगे तो आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है, इवेंचुअली आपको वापस नींद आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा प्लान करना है और आपको अपने को कहकर सोना है कि सुबह उठकर मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये सब्जेक्ट का पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये बातें अपने को बोलकर सोओगे आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो आपको अपने आप ही सुबह उठने पे मजबूर करता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ जो फोन है आपको बेड से दूर रखना है। तो इससे क्या होगा, आपको बेड से बाहर निकलना पड़ेगा और इवेंचुअली आपको अपने कंबल से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आपको जो ठंड लगेगी थोड़ी बहुत ही तो आपकी जो नींद खुल जाएगी। फिर आता है आपको कभी भी डिम लाइट में बैठकर नहीं पढ़ना, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको अपने रूम में नहीं पढ़ना, या फिर कंबल में बैठ के कंफर्ट
कंफर्टली नहीं पढ़ना, आपको ना कंबल से बाहर निकलना है, छत पर जा सकते हो आप पढ़ने के लिए, या फिर आप टेबल चेयर पर बैठ सकते हो, लेकिन बेड को त्याग दो, बेड पर नहीं बैठना। बेड पर बैठे तो वापस नींद आनी ही आनी है, ठीक है? तो छत पे चले जाओ या फिर चटाई लगा के जमीन पे बैठ जाओ, और साथ में आपको पूरा फ्रेश होकर बैठना है। ऐसे नहीं कि बेड से उठे और सीधे आके नीचे बैठ गए, नहीं, पूरा आपको उठना है, आपको फेस वॉश करना है, मतलब पूरा अच्छी तरह से, ऐसा नहीं हल्का हल्का से ये कर लिया, अच्छी तरह से आपको 3-4 बार आपको अपना मुंह धोना है, और साथ ही साथ में आपको ब्रश करना है। अब ये ब्रश करने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी नींद यहीं पर खुलेगी। जैसे ही आप ब्रश करोगे ना, तो जैसे आप ब्रश अपने मुंह में ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो आपके जो पूरे मसल्स हैं ना, वो पूरे खुल जाएंगे। जो आप पहले आपको ऐसे आलसी थे, आपको नींद आ रही थी, वो सारे एकदम ऐसे हो जाएंगे, तो आपकी जो नींद है वो शुमंतर हो जाएगी, ठीक है? तो अब आता है कि आपने ये सब भी कर लिया, ओके, अब उसके बाद आप कुछ अपने पास बिस्किट रख सकते हो, या फिर कुछ नमकीन वगैरह रख सकते हो, जो आप खा लेना उसके बाद। क्योंकि जब आपके मुंह में ऐसे थोड़ा मुंह ऐसे चलेगा, तो आपके जो माइंड की नर्व्स है ना, वो भी हिलने लग पड़ेगी, तो वहाँ से भी जो लेजीनेस है वो भाग जाएगी। तो एक दो बिस्किट खा लिया या थोड़ा सा नमकीन खा लिया। तो ये तो बातें थी कि अब सुबह उठना कैसे है। अब आप उठ गए, अब आप पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार कब हो गए? जब आप पूरा एकदम तैयार होकर बैठोगे। तैयार होकर कैसे बैठना है? आपको अपने शूज़ डालने हैं, सॉक्स डालनी है, ओके, और साथ में ऊपर आप जैकेट या स्वेटर डाल लो, क्योंकि आपको कोई भी कंबल, रजाई, बेड पर नहीं बैठना, ये सब चीज़ों को छोड़ दो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एकदम से जंपिंग जैक्स करनी है। जंपिंग जैक्स पता क्या होते हैं? जब स्कूल में आप पीटी वगैरह करते थे, क्या करवाते थे, ऐसे ऐसे आपको हैंड्स ऊपर नीचे, और साथ में आपको जंप्स करनी है, आपको अपने पूरे हैंड अप डाउन करना है, और आपको पूरी जंप करनी है, आपको जो पूरी बॉडी है ना वो खुल जाएगी, और ये आपको 10 टाइम्स करनी है। जब आपने ये चीज़ कर दी ना, आप में पूरी एनर्जी आ जाएगी। नाउ यू आर रेडी फॉर स्टडी, ओके, अब आप में पूरी एनर्जी आ गई, आपकी नींद खुल गई, अब आप पढ़ने के लिए एकदम से तैयार हो, अब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? अब जो मैं आपको अगला स्टेप बताने वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्किप कर दिया तो फिर नहीं होगा, ओके? पढ़ने बैठ गए, अब पढ़ने बैठते समय ना आपको बोल बोल कर पढ़ना है, थोड़ी आवाज़ आपके मुंह से बाहर निकलनी चाहिए, और बोल कर ऊंची ऊंची पढ़ना है। ऐसा नहीं स्लो स्लो, नो, जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना है और पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है? आपको पता होगा आप क्या पढ़ रहे हो, और जो आपके अंदर से अपनी बातें शुरू हो जाती हैं, माइंड में जो अलग अलग थॉट्स आने लग पड़ते हैं, अपनी अंदर की विचार आने लग पड़ते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। आप पढ़ने बैठते हो, यार आज तो मैम ने ये वाली असाइनमेंट भी दी थी, ओहो मैं आज कितने चैप्टर पढ़े हैं, कैसे होगा, पेपर भी आने वाले हैं, क्या सिलेबस शेड्यूल। तो ये जो बातें हैं ना, ये सारी जो आपके अंदर से शुरू हो जाती है, उनको रोकने के लिए आपको बोल कर पढ़ना है, और इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी, और आपको पता भी रहेगा, और अकेले बोलते भी नहीं रहना, आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी है, लिख कर बोल कर ये आपको जो सेटिंग बैठा कर अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर आता है हमारे पास कि अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, या फिर प्रैक्टिकल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए आपको सारा कुछ नहीं चेपने बैठ जाना। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर लिखने बैठते तो लिखते रहते, बोलने बैठते तो बोलते रहते, नहीं, आपको दोनों को मिक्स मैच करके, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको हर तरह के सम की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप कोई पढ़ने वाला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कर रहे हो, साइंस जैसा, तो आप बोल कर लिख कर दोनों तरीके से कर सकते हो। फिर आता है आपको बीच बीच में पानी पीते रहना है, पानी की इंटेक बनाए रखना, क्योंकि पानी से क्या होता है, आप एकदम हाइड्रेटेड रहोगे। जब भी हम पढ़ते हैं ना, हमारे अंदर से जो एनर्जी खत्म होती है, क्योंकि पढ़ना एक इजी प्रोसेस नहीं है, आपकी इसमें एनर्जी लगती है, आपका इसमें दिमाग लगता है, तो पानी पीते रहो। पानी पीते रहोगे तो आपको बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, और साथ साथ में जब भी आप बीच में ब्रेक लोगे 10 मिनट की या 5 मिनट की, तो आपको उठकर अपने रूम का एक आधा चक्कर लगाना है, या फिर आपको फिर से जंपिंग जैक्स करने हैं। तो ये सब बातें जब आपने कर ली ना, नाउ यू आर रेडी टू स्टडी। अब आपको पढ़ने से कुछ भी नहीं रोक सकता, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे। लेकिन अब जब आपने पढ़ लिया ना, इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आपने 8:30 बजे तक पढ़ लिया, तो अब आपको आधा घंटा सो जाना है, नैप ले लो, लेकिन सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास गरम दूध पीकर सोना है। जब जैसे ही आपने ये गरम दूध पी के सोए ना, तो आपको जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आपका जो दिमाग, जिसकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी, या जो भी चीज़ें आपने अपने दिमाग में डाली हैं, वो सारी रीस्टोर हो जाएंगी, अच्छी तरह से रीस्टोर हो जाएंगी। और ये टिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कि मतलब
पढ़ने के बाद दूध पीकर सोना है, गरम दूध पीकर। इससे जो भी हमने पढ़ा है ना वो अच्छी तरह से याद होगा और कहीं नहीं जाने वाला। तो बस पूरी दुनिया के उठने से पहले आपने हमने 4-5 घंटे पढ़ लिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।